सब्सक्राइब कीजिए चैनल कुछ नया कुछ हटके को, साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुछ नया कुछ हटके पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक धमाकेदार न्यू बिजनेस आइडिया आपके लिए। आज मैं जो बिजनेस आइडिया लेकर आ रहा हूं उसका नाम है कैटल फीड बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने कपिला पशु आहार तो नाम सुना ही होगा, ठीक उसी के तर्ज पर आप भी एक कैटल फीड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक मशीन की, वो मशीन आपको कहाँ मिलेगी और कैसे आप कैटल फीड तैयार कर सकते हो, कैसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार अजीम जी हमें बताते चलेंगे मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कैटल फीड तैयार करने के लिए हमें दो मशीनों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एक ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है आपको, ये ग्राइंडर है, और एक मेकिंग मशीन की जरूरत, ये मेकिंग जो आपकी टैबलेट बनाती है, ठीक है। यानी ये मेकिंग मशीन होगी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों, ये मेकिंग मशीन, कैटल फीड मेकिंग मशीन। और एक और मैं मशीन आपको दिखा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ग्राइंडर। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पशु आहार है कैटल फीड है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब मैं आगे वीडियो में आपको एक डेमो दे देता हूं और उसके बाद बताऊंगा आप कि आप कितना खर्चा इस सेटअप को लगाने के लिए आपको करना होगा, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों अभी आपने प्रोसेस देखी कैटल फीड कैसे तैयार किया जाता है, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ और इस बिजनेस के लिए टिप्स। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि दो मशीनें इस काम के लिए चाहिए होती हैं, पहला है हमारा ग्राइंडर और दूसरा है हमारा फीड तैयार करने वाली मशीन। तो जैसे आप ग्राइंडर देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो में पीछे कि हमने मक्का इसके अंदर डाली थी, और मक्का डालने के बाद थोड़ा सा हमने गुड़ का यूज किया था, जो गुड़ था पिघला हुआ गुड़ ऐसा वाला, इसका यूज किया था और कैटल फीड में फीड बनाने के लिए था। और उसके बाद यहाँ से ये होता है ग्राइंडर, इसने मक्का को ग्राइंड किया था, और ग्राइंड करने के बाद आपने वीडियो में देखा होगा मक्का ग्राइंड होने के बाद निकलकर यहाँ से आ रहा था, इस जगह से निकल के आ रहा था, उसको फिर हमको इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद हमको डालना है इस मशीन के अंदर। उसके बाद हम मक्का को इसमें डालेंगे और यहाँ से जो ग्राइंड हुई मक्का थी वो कुछ इस तरह की टैबलेट निकल के आती है, ये रूप ले लेती है। मैं पूरा पैकेट दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके का कुछ टैबलेट निकल के आ जाएंगे। फिर इसको आपको पॉली में पैक कर लेना है और अपना लेबल लगा के मार्केट में सेल करना है। अब मैं इस मशीन की बात आपको बता देता हूँ, ये मशीन आपको कई वेरिएंट में मिल जाएगी, एक घंटे में 50 किलो भी आप तैयार कर सकते हैं वो मशीन भी आपको मिलेगी, एक घंटे में आप 100 किलो भी तैयार कर सकते हैं वो मशीन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
और उससे ऊपर भी है कोई? जी सर, उसके ऊपर आपका 200 केजी में मिल जाएगी आपको, फिर उसके बाद आती है 500 केजी में, फिर उसके बाद आती है आपका 1000 केजी में। मतलब स्टार्टिंग आप चाहे तो इसकी 50 किलो से भी कर सकते हैं, 50 किलो एक घंटे में तैयार होता है, और उसके ऊपर 200-300 किलो भी जा सकते हैं। भैया बता रहे हैं घंटे में तैयार करने वाली मशीन ये भी है। अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे खपत कितना है, कितना प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, कितना आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं, भैया इस मशीन की प्राइस कितनी है? ये भाई मशीन आपकी है 50,000 रुपए से स्टार्ट है, और ये आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लास्ट रेट इसकी आपकी 5.5 लाख रुपए आती है। अच्छा, तो 50,000 रुपए में आपको एक घंटे में 50 किलो तैयार करने वाली मशीन मिल रही है। फिर आता है प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, जो ऊपर चलते जाएंगे प्रोडक्शन के हिसाब से रेट भी ऊपर मशीनों का बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल जिस मशीन की मैं जानकारी दे रहा था आपको, ये मिलेगी आपको 50,000 में। अब बात आती है कि इस माल को जो ये सीड है, फीड है, ये जो फीड मेरे हाथ में देख रहे हैं कैटल फीड, ये तैयार कितने में हो जाता है और कितने मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं, भैया बताइए इसके बारे में। इसमें जो आपका रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपका मक्का होती है, गुड़ होती है, और आपका ऑयल यूज होता है। ऑयल यूज वो अलग होता है जो आपका वेस्ट होता है। वेस्ट ऑयल आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आप मुर्गी दाना, पशुआहार और फिश का दाना, डॉग दाना, आप कोई भी इसमें आप कैटल फीड किसी भी तरह का आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, तो कितनी लागत आ जाती है ये आप 50 किलो जैसे मैंने बताया घंटे में तैयार करना है तो कितना लागत आ जाएगी? ये आपका दिन भर का माल आप समझ मान के रखिए कि आप इसमें 50,000 रुपए आप मशीन लगाएंगे तो इसमें आप 5 से 10,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं आसानी से। अच्छा, सारा खर्चा निकालने के बाद, तो सारा खर्चा निकालने के बाद आप 10,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं, भैया बता रहे हैं इस बिजनेस में। और ये मशीनें भैया ने काफी जगह सप्लाई की है तो अच्छा खासा मुनाफा वो लोग कमा रहे हैं जिनको सप्लाई की थी। तो ऐसे में आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए इस बिजनेस के लिए तो आप सीधे बरेली आ सकते हैं, जहां ये वीडियो में शूट कर रहा हूं। एड्रेस आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही मिल जाएगा आपको वीडियो के लास्ट में भी। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए बरेली आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यहां से आपके पास सारी जानकारी भेज दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, आपकी ईमेल पर, या फोन पर जानकारी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।